दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अवध विश्वविद्यालय के बीएड के एग्जाम्स कब होंगे, कि क्या सच में इस बार बीएड का एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि दो खबरें हैं यहाँ पे, अगर हम उन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो ऐसी बहुत संभावनाएँ निकल के आ रही हैं कि अवध विश्वविद्यालय इस बार बीएड के एग्ज़ाम जल्दी करा सकता है। वो कौन कौन सी संभावनाएं और मैं किस पे बात कर रहा हूँ, आइए ज़रा इस पे एक बार नज़र डालते हैं कि मैं किस तथ्य पे ये बात कह रहा हूँ कि लगता है इस बार अवध विश्वविद्यालय आपका एग्ज़ाम जल्दी करा देगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, अवध विश्वविद्यालय ने रिसेंटली एक डेट शीट जारी करा है, यहाँ पे डेट जारी करा है। देखते हैं कि क्या है वो डेट शीट और क्यों ऐसा लग रहा है कि इस डेट शीट के आधार पर आप कह सकते हैं कि इस बार अवध विश्वविद्यालय अपने बीएड के एग्ज़ाम जल्दी करा देगा। तो देखिए, आप सबको पता है कि अपने विश्वविद्यालय में एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स की फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट डेट शीट में अगर आप बात करें एमएड के क्लासेस की, तो बच्चों जिनको एमएड करना है, जो इस बार बीएड सेकेंड ईयर में है, वही तो एमएड की क्लास अगली बार करेंगे। यानी कि इनका एमएड का क्लास कब शुरू हो रहा है, तो आपका विश्वविद्यालय यहाँ पर कह रहा है क्लास स्टार्ट फ्रॉम 7th ऑफ अगस्त। तो अगर 7th अगस्त से अगर एमएड की क्लास शुरू हो रही है, इसका मतलब कि अपना विश्वविद्यालय 7th अगस्त से पहले, 7 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट जारी करेगा, तभी तो आपको अगले क्लास में एडमिशन देके आपके आपके नई क्लासेस शुरू करा सकता है यूनिवर्सिटी। क्योंकि ऐसे कैसे होगा कि अभी आप एक बीएड में भी पढ़ें और आप एमएड में भी पढ़ें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें लग रहा है कि विश्वविद्यालय इस बार आपका एग्ज़ाम जल्दी करा देगा, जिसकी यह पहली तथ्य थी। दूसरी बात करें, अच्छा चलिए एमएड की थोड़ी सी और हम डिटेल्स में बात कर लें कि एमएड देखेंगे आप 10 मई से आपका, सॉरी 10 जून तक आपका लास्ट डेट है, 10 जून तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट की अगर बात की जाए तो 26, 27, 28 जून तक एग्ज़ाम्स कराने की बात की जा रही है, और आपका 7 अगस्त, जी हाँ, आपका जो सेशन है वो 7 अगस्त से क्लास स्टार्ट होने की बात की जा रही है एमएड की। तो बच्चों अगर एमएड का क्लास 7 अगस्त से स्टार्ट होता है, इसका मतलब कि आपका रिजल्ट 7 से पहले आ जाएगा, या फिर विश्वविद्यालय को किसी भी हाल में ये डेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जो बच्चे इस बार बीएड सेकेंड ईयर में, उनको ही तो आगे जाके एमएड करना है, तो वो एक साथ दो कोर्सेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली हमारी डेट यहाँ पर निकल के आ रही है बच्चों 7 अगस्त, जो कि विश्वविद्यालय अपना खुद कह रहा है कि वो 7 अगस्त तक आपकी अगली क्लास शुरू कर देगा। अगर हम दूसरे डेट की बात करें, दूसरे खबर की अगर हम बात करें, तो थोड़े दिनों पहले विश्वविद्यालय अवध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति ने शैक्षणिक सत्र नियम को लेकर एक बैठक करी थी। उस बैठक में उन्होंने क्या कहा था कि समस्त विभागाध्यक्ष हर हाल में 30 जून तक पाठ्यक्रम को पूरा कराएं। तो अगर बीएड का पाठ्यक्रम 30 जून तक पूरा हो जाएगा, यानी कि जुलाई और अगस्त में परीक्षाएं कराने की बात की जा रही है, ठीक है। ये बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर की का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो नई कुलपति जी आई हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि आपका सेशन टाइम से कंप्लीट करा दिया जाए। इसीलिए हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि 30 जून तक, जी हाँ, आप यहाँ भी देख सकते हैं, 3 जून तक समाप्त करें हर हाल में 30 जून तक समाप्त करने की बात की जा रही है। तो अगर सच में इस खबर पे अमल होता है, जैसा कि कुलपति महोदया जी ने कहा है, अगर सच पे इस पे अगर हमारा शैक्षिक महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय सच में इसे इसको कार्य में लाता है और इस पे अमल करता है, तो यकीन माने कि आपका 30 जून तक, जैसा कि डेट यहाँ पे बताया जा रहा है 30 जून, तो 30 जून का मतलब भाई 30 जून तक अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास टोटल कितना टाइम है, सोचिए। जून तक अगर आपका सेशन कंप्लीट होता है तो आपके पास टाइम ही कितना है, ये मई महीने का आधा महीना चला गया, मुश्किल से आपके पास थोड़े दिनों बचे हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़बरदस्त और तेज़ी से तैयारी करनी है। तो इन दो खबरों के आधार पर ऐसे संभावनाएँ व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर साफ तौर पर क्या कहा है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि सभी विभाग शिक्षकों के समन्वय स्थापित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पाठ्यक्रम को हर हाल में 30 जून तक समाप्त करें, जिससे विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से कराई जा सकते हैं। अगले सेमेस्टर्स की बात की जाए तो बीएड में तो सेमेस्टर होता नहीं, बीएड में क्या होता है, क्लासेस होते हैं। बीएड में क्या होता है, ईयरली एग्जाम्स होता है, सेमेस्टर नहीं होता है। तो इस अनुमान से हम कह सकते हैं कि इस बार जो बच्चों बीएड का जो एग्ज़ाम है, बीएड के एग्ज़ाम जल्दी
हो सकता है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि पिछली बार भी या फिर कभी कभी ऐसे खबरें आती हैं लेकिन उस पर अगर अमल किया जाए तो इस बार चूंकि कुलपति जी भी चेंज हुई हैं तो हो सकता है कि इस बार इस पर सीरियसली काम किया जाए, ठीक है। और दूसरी जो डेट है, अगर हम एमएड के एंट्रेंस एग्जाम्स के डेट से संबंधित बात करें तो जैसा कि बताया कि 7 अगस्त तक आपके क्लास स्टार्ट होंगे, तो इससे भी ये अनुमान लगाया जाता है कि एटलीस्ट आपका 7 अगस्त तक ही क्या होगा, आपके बीएड के सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। और नॉट ओनली सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का भी, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम साथ में ही होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाता है और इवनिंग शिफ्ट में आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम हो जाता है, तो इस प्रकार से आपके पेपर्स होते हैं। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन बच्चों को इस बार अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर, जी हाँ, जिनको इस बार बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर देना है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, हम भी थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, आप भी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, यूनिट वाइज समझेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है, और इस तरीके से यूनिट वाइज हम इसको समझेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन देखेंगे और इस तरीके से आपके बीएड के कोर्सेज कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी हाँ, देखिए अब चिंता छोड़ दीजिए, अब आप समस्या छोड़ दीजिए, अब बहुत कम समय बचा है और हम तैयारी में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को और शुरू करते हैं अपने बीएड के इस साल के एग्ज़ाम्स की तैयारी को, ठीक है। तो अब सीरियस हो जाने वाली बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं भी कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर बेसिस पे आपके यूनिट वाइज एक वीडियो में आपके पूरे यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के पैटर्न, सॉरी एग्ज़ाम्स के डेट को लेकर डिस्कशन था जो कि ज़रूरी भी था। आपने 2 तर्क देखे यहाँ पर, पहला कि बीएड एमएड की क्लासेस 7 अगस्त से कराने की बात कह रही है विश्वविद्यालय, और दूसरा कि कुलपति महोदया जी ने कहा कि 30 जून तक कंप्लीट कराया जाए सिलेबस, ठीक है। तो आपके पास मुश्किल से महीना या 1.5 महीने का समय बचा है, तो तैयारी अब हम शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि अब आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई आपने शुरू कर दी होगी, और नहीं की है तो अब से आप ज़रूर करेंगे। तो जी हाँ, अगर नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपने साथी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और यूनिट वाइज करके अब सीरियसली पढ़ाई किया जाए, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी वीडियोस लेक्चर के साथ, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, आपके सिलेबस के साथ, आपके पूरे यूनिट के क्लासेस के साथ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।